हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 एंड अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन। हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनका होलिस्टिक विश्लेषण आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मैं हूं अभिषेक जैन। आप देखोगे यहां पर काफी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाएगी। जितने भी ऑथेंटिक करंट अफेयर्स गवर्नमेंट की वेबसाइट से, न्यूज़पेपर से और बेसिकली जितनी भी अलग अलग जगह पर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स है, सबमिट्स है, बुक्स है, सबका विश्लेषण यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फटाफट से सब लोग कनेक्ट हो जाइए। मेरे माध्यम से ऑलरेडी यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे सब सारे के एग्जाम को कवर कर रहा हूं और स्पेशली करंट अफेयर्स का ये एडिशन आप लोगों के लिए गेम चेंजर रहेगा। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का एडिशन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये एडिशन जहां पर रेलवे का मेगा भर्ती अभियान 1.4 लाख, ठीक है, पदों के लिए भर्ती परीक्षा की जा रही है। 28 दिसंबर से स्टार्ट होगी, मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे। ध्यान रखना, यहां पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, तो पूरी एनर्जी के साथ सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट यहां पर ले सके। कुछ दिन बेसिकली ये रिविजन सीरीज चलेगी, उसके बाद वापस से हमारी कैसे बने टॉपर सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। बट अभी रेलवे के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स का रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वापस से हम कैसे बने टॉपर सीरीज से शुरुआत करेंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, टॉपर सीरीज वापस से स्टार्ट होगी, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर, जैसे ही हमारा इस वीक के अंदर ये करंट अफेयर्स का समअप हो जाएगा, वापस से हम कैसे बने टॉपर सीरीज पर आएंगे। तो आप मेरा क्लासेस का शेड्यूल देख सकते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। यूपीएससी को लेकर भी काफी सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अनअकैडमी के माध्यम से आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, सारे के सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विजेज मिलेगी और अनलिमिटेड एक्सेस सारी चीजों का मिलेगा। जिस भी कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उस कैटेगरी के सारे के सारे एजुकेटर्स की आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, अपने डाउट को सोल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज मटेरियल सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मेरा रेफरल कोड AKJ10 का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, इससे इस कोड के माध्यम से आप फ्री क्लासेस भी एक्सेस कर पाएंगे और पेड क्लासेस में भी इसके माध्यम से 10% का डिस्काउंट आप ले पाएंगे। तो इस रेफरल कोड को आप सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, फिर सारी चीजों का आप एक्सेस यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के काफी सारे चैंपियंस बैच भी लॉन्च हो चुके हैं, उसको भी बेसिकली आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेलवे के मेगा भर्ती अभियान से। नॉन टेक्निकल कैटेगरी एनटीपीसी जिसकी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं और आरआरबी ग्रुप डी, यहां पर क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले कबीर के एक दोहे से हम शुरुआत करते हैं। हर चीज जो आपके पास घटित होगी वो अपनी रफ्तार से चलेगी, आप किसी की रफ्तार को नहीं बढ़ा सकते। तो बेसिकली आप अपने कर्म करते रहिए और सही टाइम आने वाला है जब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एनटीपीसी एग्जाम के अंदर आप टॉपर बनकर निकलोगे। इसी के साथ बेसिकली ये करंट अफेयर्स का ये पार्ट है, अदर पार्ट आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है वो आप लोग डेफिनेटली सारी की सारी चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। करंट अफेयर्स का एडिशन यहां पर मैं कवर करने वाला हूं। पहली न्यूज आप लोगों के सामने है जहां से क्वेश्चंस आप लोगों का बन सकता है। फर्स्ट न्यूज, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा जिमेक्स एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे नेवी की एक्सरसाइज हो, चाहे मिलिट्री की एक्सरसाइज हो, ठीक है। यहाँ पर जस्ट एक मिनट का टाइम दीजिए ताकि बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ लोगों जो अननेसेसरी मैसेज कर रहे हैं इनको ब्लॉक किया जा सके। ओके, नाउ यहाँ पर बेसिकली सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। फर्स्ट न्यूज आपके बारे में है यहाँ पर जिमेक्स मैरिटाइम एक्सरसाइज के बारे में। तो क्वेश्चन बनेगा पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, जो जिमेक्स नेवी की एक्सरसाइज है या बेसिकली समुद्री आपका अभ्यास है, ये कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडिया और जापान। तो ध्यान रखना, जिमेक्स जो आपकी मैरिटाइम एक्सरसाइज है ये इंडिया और जापान के बीच में देखने को मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसका कौन सा एडिशन अभी संपन्न हो रहा है। तो ध्यान रखना, इसका फोर्थ एडिशन अभी आपको देखने को मिलेगा, फोर्थ एडिशन इस एक्सरसाइज का संपन्न होता हुआ देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, ये एक द्विपक्षीय आपका नौसेनाओं का अभ्यास है, भारतीय नौसेना और जापानीज नौसेना के बीच में ये 3 दिन का सैन्य अभ्यास है, जो अभी कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर, उत्तरी अरब सागर के अंदर ये आपको नौसेना का अभ्यास देखने को मिला है। तो यहां से ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है, सभी शेयर करते रहिए। पहली चीज, जिमेक्स किन दो कंट्री
कंट्रीज के बीच में इंडिया और जापान, जे से जापान और आई से इंडिया, एम से मैरिटाइम और ई एक्स से आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, ध्यान रखना जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज। मैरिटाइम का मतलब समुद्री, जो नौसेनाओं से संबंधित है। तो भारतीय नौसेना और जापानीज नौसेना के बीच में सैन्य अभ्यास देखने को मिलेगा अरेबियन सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन से साल भारत रत्न दिया गया। ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी मृत्यु के 41 साल बाद भारत रत्न मिला था। ये मिला था 1991 के अंदर। तो ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भी काफी चर्चा में रहे हैं, उनको 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया था। मरणोपरांत उन्हें उपाधि दी गई थी और 41 साल उनके मृत्यु के पश्चात उनको भारत रत्न दिया गया था। कौन सी गवर्नमेंट में? पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर उनको बेसिकली भारत रत्न से नवाजा गया था। ध्यान रखना क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, सब लोग शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनेगा, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली अभी भारत सरकार ने जो आपके जितने भी फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स मतलब जितने भी आपके खाद्यान्न है, उनको पैक करने के लिए जूट की जो पैकेजिंग है वो कंपलसरी कर दी है। ध्यान रखना मैंडेटरी पैकेजिंग ऑफ 100% फूड ग्रेन्स, जितने भी आपके फूड ग्रेन्स की पैकेजिंग होती है तो भारत सरकार ने कर दिया है कि 100% पैकेजिंग किसमें होगी, आपके जूट से बने थैलों में या जूट से बने प्रोडक्ट्स के अंदर पैकेजिंग होगी। और सुगर जो आपकी पैकिंग होती है, 20% जो सुगर की पैकिंग होगी वो भी आपको जूट बैग्स में देखने को मिलेगी। ये किया गया है जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और बेसिकली जूट का जो इंडस्ट्री है उसको और ज्यादा फ्लरिश करने के लिए। तो ध्यान रखना पूछा जाएगा आपसे कितने प्रतिशत पैकेजिंग, तो ध्यान रखना फूड ग्रेन्स के लिए 100% पैकेजिंग बेसिकली अब जूट के थैलों में की जाएगी और सुगर के लिए 20% पैकेजिंग। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कल, ई संजीवनी ओपीडी के बारे में आपसे रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई संजीवनी ओपीडी जो कि बेसिकली भारत का टेली कंसल्टेशन सर्विस है, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा चालू की गई थी। उसका नाम होगा परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मंत्रालय है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज आप देखोगे इसके तहत कोविड 19 में लगभग इतने सारे कंसल्टेशंस डॉक्टर्स ने दिए, लगभग 6000 डॉक्टर्स, ठीक है, 217 ऑनलाइन ओपीडी इस ई संजीवनी के माध्यम से रन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को घर बैठे सारी की सारी चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सके, आपको भागकर अस्पतालों में नहीं जाना पड़े। कोविड 19 के दौरान काफी पॉपुलर रहा, ध्यान रखना। और एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा जो कंसल्टेशन है वो तमिलनाडु के हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ई संजीवनी पोर्टल में सबसे ज्यादा कंसल्टेशन कौन से राज्य ने लिए, उसका नाम है तमिलनाडु। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से चिकित्सकीय सलाह ली, 2 लाख से ज्यादा। अब तक टोटल 6 लाख से ज्यादा लोग इससे सलाह ले चुके हैं, ई संजीवनी पोर्टल से। तो ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका ऑनलाइन ओपीडी है, आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो तो ये आपको ऑनलाइन ओपीडी की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपसे बनेगा ही बनेगा। आप देखोगे आपसे पूछा जाएगा कि कौन से राज्य के अंदर, स्पेशली आप देखोगे अभी जो अप्रैल से सितंबर 2020 का पीरियड रहा है उसमें कौन से राज्य को सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। एफडीआई का मतलब आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो आपको आंसर करना है गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। आप देखोगे अप्रैल से सितंबर 2020 का डेटा अगर आप देखते हो, गुजरात को सबसे ज्यादा 1.19 लाख करोड़ रुपए का, जो लगभग अगर अपन बात करें पूरे इंडिया का 53% एफडीआई तो अकेले गुजरात में आया है। और देखोगे कोविड 19 के दौरान भी इतना ज्यादा वहां पर एफडीआई देखने को मिला है। तो डेटा देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है गुजरात को, सेकंड नंबर पर मिला है कर्नाटका को, थर्ड पे मिला है महाराष्ट्र को, फोर्थ पे मिला है दिल्ली को। कम से कम 3-4 ध्यान रखना पूछा जा सकता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन का बेनिफिट यहां पर उठा सके। लास्ट में काफी सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बट इनिशियली स्लाइड्स के माध्यम से अपन क्वेश्चंस को यहां पर डिटरमाइन करेंगे। ये सारी की सारी स्लाइड गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौन से राज्य में आया है, गुजरात के अंदर, सेकंड कर्नाटका है, थर्ड आपका महाराष्ट्र है।
तीन कम से कम याद रखिएगा सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस समिट के बारे में, जिसका नाम है रेज 2020। ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इस समिट की फुल फॉर्म क्या है? इस समिट की फुल फॉर्म है, लिखा भी हुआ है, रेस्पॉन्सिबल। आर का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद AI मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशियल एम्पावरमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी महत्वपूर्ण समिट ये देखने को मिली थी। और ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ये समिट किन किन के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में नीति आयोग, इन दोनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है रेज 2020 समिट को लेकर। तो सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन RRB NTPC या बेसिकली ग्रुप डी के अंदर पूछे जाने हैं, उनका मैं सबको समावेश कर रहा हूँ। जो भी वन लाइनर क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है सूरज, गुड मॉर्निंग। जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोग, ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा कल की तरह शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट ले पाए। तो ध्यान रखना, रेस 2020 जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर सबमिट है, ये बेसिकली 2020 में भारत में आयोजित की गई है, और जिसकी बेसिकली आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और नीति आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि मॉनसून सेशन में कितने बिल यहाँ पर पास किए गए हैं। ध्यान रखना, मॉनसून सेशन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा ने अलग अलग मिलाकर 25 बिल पास किए, तो टोटल 50 बिल तो आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे दो बिल अप्रोप्रिएशन बिल भी यहाँ पर पास हुए हैं, तो इतने सारे बिल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और प्रोडक्टिविटी लोकसभा की रही है 167% और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी रही है 100.47%। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कितने बिल लोकसभा और राज्यसभा ने अलग अलग इस मॉनसून सेशन के दौरान पास किए। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अलग अलग 25 बिल पास किए हैं। अगर अप्रोप्रिएशन बिल को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल कितने हो जाते हैं? 27 बिल यहां पर दोनों हाउसेस ने अलग अलग पास किए। तो इतने सारे बिल आपके मॉनसून सेशन 2020 से पास हुए हैं, अब तक की सबसे बेस्ट रेट रही है बिल्स को पास करने की, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों को गवर्नमेंट ने बाईपास कर दिया, न सेलेक्ट कमेटी में भेजा, न डिस्कशन का मौका दिया, डायरेक्टली धड़ाधड़ से यहाँ पर गवर्नमेंट ने वोटिंग करवाई, जिसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी यहाँ पर किया गया था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग शेयर करते रहेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, DRDO ने बेसिकली अभ्यास, ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि बेसिकली स्वदेशी रूप से निर्मित जो बेसिकली अभ्यास का टेस्ट यहाँ पर किया गया, आप देख सकते हो ये अभ्यास का फ्लाइट टेस्ट यहाँ पर किया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ध्यान रखना, ये बेसिकली यहाँ पर DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है, पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है। आप देखोगे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वॉज कंडक्टेड, कहां से किया गया? उड़ीसा से इसका टेस्टिंग किया गया। तो ध्यान रखना, ये तो पता होना चाहिए, अभ्यास जो बेसिकली एक एरियल टारगेट को हिट कर सकता है, उसकी टेस्टिंग DRDO के द्वारा की गई है। क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अभ्यास का फ्लाइट टेस्ट किसके द्वारा किया गया, DRDO, इसरो, नासा, तो आपको ध्यान होना चाहिए DRDO के द्वारा इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग यहाँ पर की गई है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक रिपोर्ट है जिसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे एक रिपोर्ट आती है ASER, पूछा जाता है कि असल रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? इसकी फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस एजुकेशन सर्वे। ठीक है, ये निकाली जाती है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यहां पर लिख रहा हूं मैं, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये किसके द्वारा निकाली जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट डेटा देता है। ध्यान रखना, है निकाला जाता है प्रथम NGO के द्वारा। ध्यान रखना, एक प्रथम नामक NGO है जो इसका डेटा रिलीज करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा रिपोर्ट प्रथम NGO के द्वारा निकाली जाती है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में देखने को मिलेगा। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, इस रीजन का नाम है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नगर्नो काराबाख। इस रीजन का नाम क्या है?
नगर्नो काराबाख रीजन। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, नगर्नो काराबाख रीजन हाल ही में चर्चा में देखा गया, यह किन दो देशों से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस है कि नगर्नो काराबाख रीजन अभी हाल ही में चर्चा में देखा गया, ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है आर्मेनिया और अजरबैजान से, दोनों के बीच का विवादित क्षेत्र है। अभी इसका सेटलमेंट हो चुका है, रशिया ने मध्यस्थता करके आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य सेटलमेंट करा दिया गया है। तो ध्यान रखना, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में आपको बताना है, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब लोग ध्यान रखेंगे, शेयर करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, ताकि आप सारी चीजों को सीख सके। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी और भारत के विदेश मंत्री आपके एस जयशंकर साहब, और इधर आप देख रहे हैं यूएसए के बेसिकली आपके जो स्टेट सेक्रेटरी है और बेसिकली वहां के जो डिफेंस सेक्रेटरी है। तो आप देखोगे कि बेसिकली इंडो यूएसए 2+2 डायलॉग, क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडो यूएस 2+2 डायलॉग भारत के कौन से दो मंत्रालयों और यूएसए के कौन से दो मंत्रालयों के बीच में होता है। तो ध्यान रखना, भारत का विदेश मंत्रालय और भारत का रक्षा मंत्रालय, और ये दोनों मंत्रालय वहां पर चर्चा करते हैं किससे, यूएसए के दोनों मंत्रालयों से। तो ध्यान रखना, इंडो यूएस 2+2 डायलॉग किस किस के बीच में होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में काफी सारे एग्रीमेंट यूएसए के साथ साइन हुए हैं। लेटेस्ट एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, जिसका नाम है बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत के यूएसए के साथ कौन कौन से समझौते साइन हुए हैं। आप देखोगे लिमोवा हमने साइन किया था 2016 के अंदर, ठीक है, कोमकासा हमने साइन किया था 2018 के अंदर, और बेसिकली बेका भी हमने साइन किया है 2020 के अंदर। ठीक है, ये तीनों महत्वपूर्ण समझौते हैं जो रिसेंटली मोदी सरकार के अंदर साइन हुए हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमोवा जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, कोमकासा जो संचार कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बेका जो बेसिकली आपका भू स्थैतिक डेटा या जियो स्पेटियल कोऑपरेशन से रिलेटेड है। ये तीनों समझौते काफी इंपॉर्टेंट है जो भारत ने यूएसए के साथ साइन किए हैं। एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी लेटेस्ट समझौता जो बेका है, जो 2020 में साइन हुआ है, जो रिलेटेड है भू स्थैतिक डेटा या जियो स्पेटियल डेटा को लेकर, जो आपकी इंफॉर्मेशन है पर्वत की, नदियों की, पहाड़ों की, पठारों की, इन सब की इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से शेयर की जा सकती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहां पर बताना चाहूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने में मैक्सिमम चांसेस है। एक समिट है जिसका आयोजन 26 से 28 नवंबर 2020 के मध्य किया गया। इस समिट का नाम है रीइन्वेस्ट, ठीक है, इस समिट का नाम है ग्लोबल रीइन्वेस्ट 2020। ये रिलेटेड है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो ध्यान रखना, ये तीसरी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट है जो आयोजित की गई है। ध्यान रखना, अभी हाल ही में 26 से 28 नवंबर के मध्य तीसरी ग्लोबल एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट है वो भारत में आयोजित की गई है। कहां पर आयोजित हुई है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये समिट का आयोजन कहां पर किया गया है। न्यू दिल्ली के अंदर इस समिट का आयोजन किया गया है, और इसकी थीम आपको देखने को मिलेगी न्यू इंडिया न्यू एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना, इसका जो स्लोगन है वो क्या देखने को मिलेगा, न्यू इंडिया न्यू एनर्जी, नया भारत नई ऊर्जा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आई थिंक सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सब लोग शेयर करते रहिए ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन का बेनिफिट यहां पर उठा सके। एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की, एक काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसका नाम है उमंग एप्लीकेशन। तो आप देखोगे अभी उमंग एप्लीकेशन का हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वर्जन का मतलब है अब सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो बेसिकली विदेशों में बैठे हुए भारतीय हैं वो भी इस एप्लीकेशन का फायदा उठा सकेंगे, वो भी इसके माध्यम से सारी की सारी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। तो आप देखोगे 9 देशों के अंदर उमंग का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आपको सब जगह देखने को मिलेगा जहां पर उमंग का जो इंटरनेशनल वर्जन है यहां पर हमने लॉन्च किया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रीज के नाम भी देख लेना, पूछा जा सकता है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है। अब देखो इस टाइप से यहां पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंडिया में हो गया,
नीदरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ऐप हमने 3 साल पहले लॉन्च किया था, बट इसका अभी अंतरराष्ट्रीय संस्करण गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिकली आप देखोगे जितने भी हमारे स्पीकर है, चाहे लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे बेसिकली सारी की सारी विधानसभाओं, विधान परिषद के, चाहे स्पीकर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे वाइस स्पीकर हो, चाहे डेप्यूटी चेयरमैन हो, इन सभी की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जो कौन सी नंबर की थी, 80वीं ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर। यहाँ पर फेमस चीज क्या है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, जहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ पर बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काफी सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तो 1921 में हो गई थी, तो इस कॉन्फ्रेंस के 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी सेलिब्रेशन यहां पर किया जा रहा था। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, कहां पर आयोजित हुई है, गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर, जहां पर सरदार साहब की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी या एकता की प्रतिमा बनी हुई है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि सभी लोग बेसिकली इसका फायदा उठा सके। ओके, ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी गवर्नमेंट बेसिकली कितने एलएनजी जो स्टेशन है उनके डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट बेसिकली 1000 लिक्विफाइड नेचुरल गैस के स्टेशन के डेवलपमेंट पर काम कर रही है। हर एक स्टेशन लगभग 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। ध्यान रखना, एलएनजी स्टेशन जो सेटअप किए जाएंगे 200 से 300 किलोमीटर की, अगर यहाँ पर एलएनजी है तो दूसरा कितने किलोमीटर पर होगा, 200 से 300 किलोमीटर की दूरी के बीच में सेटअप किया जाएगा। गवर्नमेंट ऐसे पूरे भारत में, ठीक है, आने वाले 3 सालों के अंदर जितने भी भारत के मेजर हाईवेज है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, वहां पर आने वाले 3 सालों के अंदर 1000 एलएनजी फ्यूल स्टेशंस गवर्नमेंट सेटअप कर देगी। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दिस इज पर्सपेक्टिव फॉर रेलवे एग्जाम्स, ठीक है, जो रेलवे एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से सारी चीजों को देखते जाइए। ओके, और बेसिकली जिन्हें नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, सारी की सारी स्लाइड्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारी की सारी स्लाइड मिल जाएगी जो अभिषेक जेंसर के नाम से अवेलेबल है। टेलीग्राम पर जाइएगा, अभिषेक जेंसर के नाम से सर्च कर लीजिएगा, मेरी प्रोफाइल पिक दिख जाएगी, वहां पर ये सारी स्लाइड्स अपलोड करवा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत की पहली बार द्विपक्षीय समिट हुई है, उसका नाम है लग्जमबर्ग। ध्यान रखना, लग्जमबर्ग के साथ भारत की पहली बार एक द्विपक्षीय समिट या द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, और ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने पहली बार द्विपक्षीय वार्ता की, उसका नाम होगा लग्जमबर्ग। और ध्यान रखना, लग्जमबर्ग ने भारत के साथ समिट के बाद आईएसए को भी ज्वाइन कर लिया। आईएसए मतलब आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन है, उसको भी बेसिकली ज्वाइन कर लिया गया है। किसके द्वारा? आपका, आपके लग्जमबर्ग के द्वारा। तो ये भी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी अपने साथियों को शेयर करते रहेंगे ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर बेनिफिट ले पाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का एक टारगेट है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट बेसिकली 2023-24 तक टारगेट कर रही है कि लगभग 5000 जो आपके बायोगैस के प्लांट है वो सेटअप किए जाए, ठीक है, जिस पर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट यहां पर करने वाली है। तो ध्यान रखना, कितना इन्वेस्टमेंट है, 2,00,000 करोड़ का, कितने प्लांट सेटअप करने हैं, 5000 बायोगैस, बायोगैस का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, तो 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट गवर्नमेंट सेटअप करने जा रही है। 2023-24 तक 2,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको इस पर देखने को मिलेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा आपका डियोगो मैराडोना को लेकर, जो बेसिकली फुटबॉल के मैजिशियन के नाम से जाने जाते थे, जो बिलोंग करते थे अर्जेंटीना से, बेसिकली उनका असामयिक निधन हो गया है, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। डियोगो मैराडोना जो बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से, ठीक है, मैजिशियन ऑफ फुटबॉल के नाम से उन्हें जाना जाता था, सब लोग बेसिकली उनके बारे में जानते हैं जिन्होंने फुटबॉल का नाम सुना है, तो बेसिकली ध्यान रखना अर्जेंटीना से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है एफसी कोहली, जिसको बेसिकली भारत की आईटी इंडस्ट्री के
पिता या जनक के रूप में जाना जाता है, उनका भी यहाँ पर निधन हो गया है। तो ध्यान रखना एफसी कोहली 1924 से 2020 के बीच में इनका पूरा जीवन काल रहा। इनको बेसिकली भारत की आईटी इंडस्ट्री के जनक के रूप में जाना जाता है। टीसीएस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी ये रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है उसके पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा साइक्लोन को लेकर, अभी इतने सारे साइक्लोन्स आप लोगों एक बार सब लोग चेक करेंगे, सब लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग दैट कनेक्शन। एक बार सब लोग चेक कीजिए, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, आई थिंक सब लोगों को आवाज आ रही है। तो देखो साइक्लोन निवार के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है? एक बार चेक कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ओके, ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है। तो बेसिकली साइक्लोन निवार के बारे में मैंने बोला था कि साइक्लोन निवार बेसिकली इसका नाम दिया गया है ईरान के द्वारा, क्योंकि अलग अलग साइक्लोन्स के नाम अलग अलग कंट्रीज के द्वारा दिए जाते हैं। साइक्लोन निवार जिसने बेसिकली हमारी तमिलनाडु और पुद्दुचेरी कोस्ट को हिट किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका नाम दिया गया था ईरान के द्वारा। तो मैं काफी इंपॉर्टेंट नाम आपको बता रहा हूँ अभी लेटेस्ट में जो साइक्लोन आए हैं। निसर्ग साइक्लोन जिसका नाम दिया गया बांग्लादेश के द्वारा, गति साइक्लोन जिसका नाम दिया गया इंडिया के द्वारा, अभी रिसेंट में आया था निवार जिसका नाम दिया गया ईरान के द्वारा, और अभी लेटेस्ट में आया बुरेवी का नाम दिया मालदीव के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न साइक्लोन्स का नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टोटल 13 कंट्रीज है, 13 देश है, और हर देश ने 13 नाम सजेस्ट किए हैं। तो टोटल कितने नामों की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी? 169 नेम्स की आपको लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके आधार पर सारा का सारा नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर देखते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना निसर्ग का नाम दिया बांग्लादेश ने, गति का नाम दिया इंडिया ने, निवार का नाम दिया ईरान ने, और बुरेवी का नाम दिया मालदीव ने। सब लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चंस पर अपन आते हैं, फटाफट से सब लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन अवार्ड्स को लेकर है, वो अमंग द वन इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020, ठीक है? बेसिकली जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 है वो निम्न में से किस सीरीज को मिला है, ठीक है? दिल्ली क्राइम, पाताल लोक, डार्क और ओसरा, ठीक है? आपको बताना है निम्न में से किस सीरीज को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स यहां पर देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिल्ली क्राइम, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में आप जान सकते हैं, जो आपका इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेज है, उन्होंने बेसिकली 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का अनाउंस किया, जो कि बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी के अंदर किया गया। और ध्यान रखना भारत का ये पहला अवार्ड आपको देखने को मिलेगा इस कैटेगरी के अंदर। नेटफ्लिक्स की जो इंडिया ओरिजिनल सीरीज है जिसका नाम है दिल्ली क्राइम, उसको बेसिकली अवार्ड दिया गया ड्रामा सीरीज के तौर पर। और ध्यान रखना इट इज द फर्स्ट एमी अवार्ड फॉर ए प्रोग्राम फ्रॉम इंडिया, भारत के किसी प्रोग्राम को पहली बार एमी अवार्ड। काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो 1969 से आपको देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंस, जिसका संस्थापक की स्थापना हुई थी 1969 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटरनेशनल एमी अवार्ड में भारत को पहली बार किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अवार्ड मिला है। तो नेटफ्लिक्स की जो इंडिया ओरिजिनल सीरीज है दिल्ली क्राइम, उसको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। सब लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद उमंग इंटरनेशनल ऐप कितने देशों के लिए लॉन्च किया गया, मतलब उमंग इंटरनेशनल एप्लीकेशन में टोटल कितने देश आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? 10, 9, 15 और 21। अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। 9 कंट्रीज टोटल है जहां पर उमंग इंटरनेशनल ऐप आपका वर्क कर रहा है। आप देखोगे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, कौन से मिनिस्ट्री के, रविशंकर प्रसाद जी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे जो मंत्री हैं, बेसिकली उन्होंने उमंग का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया था, जो मैंने आपको बताया था। उमंग की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ध्यान रखना ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। उमंग की फुल फॉर्म होगी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ध्यान रखना जो उमंग एप्लीकेशन है, यू से यूनिफाइड, एम से मोबाइल, एस एप्लीकेशन, एन से न्यू एज, और जी से आपका गवर्नेंस, ठीक है? 9 कंट्री के लिए मैंने आपको बता दिया जहां पर उमंग का इंटरनेशनल वर्जन आपको देखने को मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चांग E5 प्रोब इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। ठीक है, चांग जो प्रोब है अभी मैंने आपको बताया था ये मून के लिए आपको देखने को मिलेगा और बेसिकली मून की भी पीछे वाली साइड पर, क्योंकि बेसिकली ये आपका अगर अर्थ है ये मून है तो अर्थ से अपन ये वाली साइड ही मून की देख पाते हैं क्योंकि अर्थ का रोटेशन पीरियड और मून का रोटेशन पीरियड लगभग बराबर है, तो चांद की पीछे वाली साइड आप नहीं देख पाते। तो बेसिकली किस कंट्री ने, नाम बताना है, किस कंट्री ने एक चांग ई प्रोब लॉन्च किया था जो बेसिकली चांद की पीछे की साइड की चट्टानों का अध्ययन करेगा और उसका डेटा लेकर वो आ भी चुका है। इसका आंसर होगा चाइना। डी इज द करेक्ट आंसर। चांग E5 प्रोब चाइना से रिलेटेड है। तो आप देखोगे चाइना का जो नेशनल स्पेस स्टेशन है उसने लॉन्च किया था लगभग 8.2 टन वजनी लूनार प्रोब थी जिसका नाम था चांग E5। ये लगभग 23 दिन का मिशन था, ये चाइना ने कंप्लीट कर लिया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना जिसकी कैपिटल बीजिंग है और करेंसी बेसिकली यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, ठीक है, करेंसी उनके रेनमी आपको देखने को मिलेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको बताना है वरुण अस्त्र क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वरुण अस्त्र क्या है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वरुण अस्त्र आपका न्यूक्लियर नेवल मिसाइल है या रॉकेट सिस्टम है या एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है या एयर टू सरफेस मिसाइल। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज वरुण अस्त्र। ठीक है, तो वरुण अस्त्र मैं आपको बता देता हूं, यह आपका एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है जो पानी के अंदर बेसिकली अपना मूवमेंट करता है। तो दैट इज एंटी सबमरीन टॉर्पेडो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना आपके जो DRDO ने अपना पहला वरुण अस्त्र जो आपको एंटी सबमरीन टॉर्पिडो देखने को मिलेगा इसको लॉन्च किया था और ध्यान रखना इसको डेवलप किया गया था नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापट्टनम के द्वारा। 95% ये इंडिजिनस आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना वरुण अस्त्र आपका एंटी सबमरीन टॉर्पिडो है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि नवंबर 2020 में विच एडिशन ऑफ द इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है, वॉज कंडक्टेड इन नवंबर 2020। ठीक है, नवंबर 2020 में इंडो थाई कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर इंडो थाई, ठीक है, इस जो कॉर्पेट एक्सरसाइज है इसका कौन सा संस्करण आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से आंसर करके बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 30th। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हो 30th एडिशन आपका इंडो थाई कॉर्पेट का यहाँ पर कंडक्ट किया गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये बेसिकली भारतीय नौसेना और थाईलैंड नौसेना के बीच में एक बेसिकली कोऑपरेशन एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 के अंदर, ध्यान रखना 2003 से आपको ये ऑपरेशन में देखने को मिलेगा आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है भारतीय नौसेना और थाईलैंड नौसेना के बीच में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, 30वां संस्करण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, ये आप देख सकते हो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। 51st edition ऑफ 2020 निट्टो ATP फाइनल्स वाज टेकन प्लेस। ठीक है, ये हुआ था आपका UK के अंदर, ध्यान रखना है, जस्ट इसमें ध्यान रख सकते हैं जो आपका 51st एडिशन है आपका निट्टो ATP जो टेनिस फाइनल्स के अंदर आता है ये बेसिकली लंदन UK के अंदर संपन्न हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे आवाज दिवस भी छोड़ दीजिए आप, यस ये ध्यान रखिए वो हैज ट्रांसलेटेड फुल सुंगी नॉवल इनटू इंग्लिश। ठीक है, जो फुल सुंगी उपन्यास है उसका बेसिकली अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किताबों को लेकर, उपन्यास को लेकर, जो भी लेटेस्ट चीजें होती है उनसे क्वेश्चन आपके RRB एग्जाम में पूछे जाते हैं। Who has translated फुल सुंगी नॉवल into English? चेतन भगत, गौतम चौबे, पांडे कपिल और विक्रम सेठ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। गौतम चौबे ने बेसिकली इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आप देख सकते हो गौतम चौबे हैज ट्रांसलेटेड फुल सुंगी जो कि एक भोजपुरी नॉवल है, ठीक है, जो पांडे कपिल के द्वारा लिखा गया था और ये पहला भोजपुरी नॉवल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, जिसको पेंगुइन के द्वारा पब्लिश किया गया है। ध्यान रखना इट इज अ फर्स्ट एवर ट्रांसलेशन ऑफ ए भोजपुरी नॉवल इनटू इंग्लिश। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी भोजपुरी नॉवल का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको मनाना है वर्ल्ड फिशरीज डे। ठीक है, कई बार आपको इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल बेसिकली आपका जो वर्ल्ड फिशरीज डे है, ठीक है, विश्व मत्स्य दिवस है, उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में सब लोग आंसर करेंगे। इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है विश्व मत्स्य दिवस के बारे में। तो आप देखोगे 21st नवंबर को
हर साल वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये दिखाता है सारे के सारे मछुआरों का एक कोऑर्डिनेशन या सॉलिडारिटी। ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि मछुआरों के हितों को प्रायिकता देने के लिए, उनके बेसिकली जीवन स्तर को सुधारने के लिए 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे के नाम से सेलिब्रेट यहां पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, ठीक है, सेंटिनल 6 सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय, सेंटिनल 6 सैटेलाइट को संयुक्त रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है। फटाफट से ट्राई करेंगे आंसर करने का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नासा एंड ईएसए। ईएसए मतलब आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा जो बेसिकली यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो आप देखोगे ये जो मिशन है आपका जॉइंटली डेवलप किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के द्वारा। ध्यान रखना, ये जो आपका सेंटिनल 6 आपका सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया था बेसिकली स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से नवंबर 20, 2020 को। ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हाल ही में सेंटिनल 6 सैटेलाइट को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया और इस मिशन को बनाया गया था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैंने आपको पूछा था, इट इज फर्स्ट एवर समिट ऑफ इंडिया विद, ठीक है, आपको बताना इन चारों कंट्रीज में से उस कंट्री का नाम क्या है जिसके साथ भारत की पहली द्विपक्षीय वार्ता या बायलेटरल समिट अभी संपन्न हुई है। सब लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब लोग ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। काफी आप स्टूडेंट्स काफी कम है, बेसिकली आप सब लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि रेलवेज वाले जो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी जिसके आधार पर ये सेशन लाया जा रहा है, आप लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर फुलफिल हो सके और सारे लोग अपनी तैयारी को एक अच्छा आधार यहाँ पर दे सके, आप लोगों को काफी बेनिफिट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इट इज फर्स्ट एवर समिट ऑफ इंडिया विद, ठीक है, किसके साथ है आपकी, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगी लग्जमबर्ग के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा लग्जमबर्ग। मैंने आपको बताया था फर्स्ट एवर इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट हेल्ड, ठीक है, पहली बार इंडिया और लग्जमबर्ग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई है। लग्जमबर्ग ध्यान रखना लैंडलॉक्ड कंट्री है, यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्री आपको लग्जमबर्ग देखने को मिलेगी जहां पर यूरो करेंसी फॉलो होती है। तो ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटमैक्स 2020 इज ए मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड, ठीक है, जो बेसिकली आपको बताना है जो सिटमैक्स आपकी समुद्री सैन्य अभ्यास है, समुद्री नौसेना का अभ्यास है, ये भारतीय नौसेना के अलावा दूसरी कौन सी नौसेना के साथ संपन्न होता है। सिटमैक्स का नाम बताएंगे आप सब लोग, ट्राई करेंगे, सिटमैक्स नेवी की एक्सरसाइज भारतीय नौसेना के अलावा दूसरी कौन सी नौसेना के बीच में संपन्न होती है, तो सब लोगों को पता होना चाहिए, ये रिलेटेड है आपकी। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूं, तो आप देखोगे थाईलैंड से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो आप देखोगे ये आपकी जो सिटमैक्स 2020 है ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, इसमें भारत को इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर सिंगापुर ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो सब लोग ध्यान देंगे, सिटमैक्स 2020 जो कि एक त्रिपक्षीय, ध्यान रखना ये त्रिपक्षीय नौसेना का अभ्यास है, और आप देख सकते हो एस से आपका सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है, आई से आपका इंडिया हो जाएगा और टी से बेसिकली आपका थाईलैंड हो जाएगा। ये तीन देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है सिटमैक्स, ठीक है, सिमैक्स मैंने आपको कराया, सिटमैक्स मैंने आप लोगों को कराया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितनी भी नौसेना के अभी लेटेस्ट में अभ्यास हुए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल अटेम्प्ट करवाया था आप लोगों को, यस। इंडिया का पहला मोस गार्डन कहां पर बनाया गया है, ठीक है, इंडिया आपने नाम सुना होगा मोसेस का, लाइकन्स का, ठीक है, जो आपको टुंड्रा एरिया में मिलते हैं, तो आपको बताना है इंडिया फर्स्ट मोस गार्डन वाज इनॉग्रेटेड इन, ठीक है, भारत में पहला मोस गार्डन का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका उत्तराखंड के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखोगे भारत का पहला मोस गार्डन आपको उत्तराखंड में कुरपतल नामक जगह पर देखने को मिलेगा, और ध्यान रखना आपने नाम सुना होगा वोटर मैन ऑफ इंडिया, जिनको राजेंद्र सिंह जी को वोटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उनके प्रयासों से आपको देखने को मिलेगा। दो मोसेज स्पेसीज यहाँ पर लाई गई है, ध्यान रखना मोसेज और लाइकन्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा मोसेज और लाइकन्स, ये दोनों बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर, ठीक है, स्पेशली आपको जो ऊपर आर्कटिक रीजन है, ठीक है, आपके टुंड्रा एरियाज है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मोसेज एंड लाइकन्स। तो भारत का पहला मोस गार्डन आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यू हैव टू आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है
15वीं G20 समिट को वर्चुअली किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? अभी आपने देखा था G20 देशों का शिखर सम्मेलन हमने आयोजित किया था, तो आपको बताना है 15वां G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश के द्वारा बुलाया गया था। सब लोग फटाफट से आंसर करेंगे, सेशन को हम जस्ट खत्म करने वाले, 4-5 क्वेश्चंस और बचे हैं, ताकि आज का जो एडिशन हमने सीखा है इसकी स्लाइड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अभिषेक जैन सर पर मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जो अभिषेक जैन सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको स्लाइड्स मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाइएगा, अभिषेक जैन सर सर्च कर लीजिएगा, मेरी प्रोफाइल पिक आपको दिख जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी इज द सऊदी अरेबिया। तो ध्यान रखना 15वीं G20 समिट जो वर्चुअली आयोजित की गई वो सऊदी अरेबिया के द्वारा आयोजित की गई, तो ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G20 कंट्रीज के नाम भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है G20 कंट्रीज जो दुनिया की इकोनॉमी का 85% हिस्सा और साथ में ग्लोबल ट्रेड का 75% हिस्सा और पॉपुलेशन का लगभग 2/3 पॉपुलेशन ये कवर करती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, यस बिल्कुल सब लोगों ने सही आंसर दिया है, सुमित ने, स्वप्निल ने, बिजंती ने, नवीन ने, ठीक है, यस सऊदी अरेबिया इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। 15वीं G20 समिट आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है, 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है, अभी फॉरेन ऑफिसेस के बीच में, दो फॉरेन ऑफिसेस के बीच में 7th राउंड की वार्ता संपन्न हुई है, वो भारत के अलावा कौन से देश के साथ हुई है? कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान और नॉर्वे, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये सेंट्रल एशिया की कंट्री है, ठीक है, इसका नाम है कजाकिस्तान। तो आप देखोगे यहाँ पर 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस की कंसल्टेशन भारत की कजाकिस्तान के साथ 17 नवंबर को यहाँ पर संपन्न हुई, जिसमें काफी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। कजाकिस्तान के बारे में इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, कजाकिस्तान की कैपिटल अब चेंज हो चुकी है, ध्यान रखना, कजाकिस्तान की पुरानी कैपिटल थी अस्ताना, लेकिन अभी कजाकिस्तान की नई कैपिटल देखने को मिलेगी नूर सुल्तान, जिसका नाम वहां के सुल्तान के नाम से रखा गया है, ठीक है, वहां की करेंसी आपको देखने को मिलेगी कजाकिस्तानी तेंग, ठीक है, तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि सब लोग इस सेशन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर उठा पाए, ठीक है, तो सब लोगों को ध्यान रहेगा कजाकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशिया की कंट्री है, कैपिटल रहेगी नूर सुल्तान और करेंसी रहेगी उसकी कजाकिस्तानी तेंग, ओके। उसके बाद आपको बताना है हाल ही में कौन सा देश ओडिशा में जो पूर्वोदय मिशन में शामिल हुआ है, जो ओडिशा के अंदर पूर्वोदय मिशन आपको देखने को मिलेगा, तो कौन सा देश अभी हाल ही में ओडिशा के पूर्वोदय मिशन के अंदर शामिल हुआ है? जर्मनी, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, शामिल होने का मतलब वो उसको वहां पर असिस्टेंस देगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई करेंगे आंसर करने का, ठीक है, ट्राई कीजिए सब लोग आंसर करने का, ओके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जापान, ध्यान रखना, अभी हाल ही में जापान उड़ीसा के पूर्वोदय मिशन में शामिल हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है जो पूर्वोदय मिशन है, इस पूर्वोदय मिशन का उद्देश्य क्या है ये भी ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य है पूरे के पूरे भारत के पूर्वी हिस्से को स्टील हब के रूप में डेवलप करना, स्टील इंडस्ट्री को वहां पर डेवलप करना, ठीक है, स्टील की कैपेसिटी को बढ़ाना, ये उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य किस मिशन पूर्वोदय किसके लिए बनाया गया है, पूरे के पूरे पूर्वी भारत को इंटीग्रेटेड स्टील का हब बनाने के लिए, और ध्यान रखना अभी जापान इसकी पार्टनर कंट्री बना है जो पूर्वोदय मिशन में भारत का सहयोग करेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान होना चाहिए आप सब लोगों को, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज अपन इतना ही रखेंगे, बाकी का डिस्कशन अपन कल स्टार्ट करेंगे, आई थिंक आप सब लोगों को सारी चीजें समझ आई होगी, आपको क्लासेस का टाइम टेबल मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप दिन में 3 से 4 बजे डेली मेरे करंट अफेयर्स के डिस्कशन को फॉलो कर सकते हैं जो वाईफाई स्टडी UPSC पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके अलावा रात को 8:45 PM पर और 7:30 PM पर दो क्लासेस अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस होगी, जहां पर पॉलिटी को हम रिवाइज कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू, सारा का सारा पॉलिटी हम रिवाइज करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन सीख रहे हैं, तो इन तीनों क्लासेस को आप देख सकते हैं, और ये रेगुलर क्लास 10 बजे आपको देखने को मिलेगी, जहां पर हम RRB NTPC के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी, नोट्स बेसिकली आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक जैन सर पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप बेसिकली नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो और मेरा रेफरल कोड AKZN है, जिसको आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अनअकैडमी के फ्री कोर्सेज के लिए यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल आपको अभिषेक कुमार जैन के नाम से मिलेगी, जिसको आप बेसिकली जाकर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, कल वापस से